हेलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सो so फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी का जो थर्टी फर्स्ट मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच इसका ड्रीम इलेवन टीम का सो so फ्रेंड ड्रीम इलेवन टीम देखने से पहले आइए दोनों ही टीमों का प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं पीच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद ड्रीम इलेवन टीम देखेंगे और आप लोग के मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा होगा कि कल का मैच होगा कि नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज ही बी का मीटिंग हुआ है जहाँ पर डिसाइड किया गया है कि कल से रेगुलर सारा जितना भी मैचेस होने वाला है सारा मैच होता रहेगा बस आज का मैच कैंसिल किया गया है वो आपको भी पता है कुछ आ, न, प्लेयर्स पॉजिटिव आए हैं के के आर के टीम में जिस वजह से आज का मैच मतलब पोस्टपोन कर दिया गया कैंसिल भी नहीं किया गया उसको पोस्टपोन कर दिया गया है लेकिन कल से रेगुलर मैच चलता रहेगा सो so, उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउट आपके मन में था वो क्लियर हो गया होगा तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद टीम के प्लेइंग एलेवन का तो बात किया जाए यहाँ से शाह का तो रिधिमान शाह नहीं खेलने वाले हैं वार्नर भी इस मैच में नहीं खेलेंगे पिछले मैच में भी आपको पता है वार्नर नहीं खेले थे और इस मैच में भी हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है कि वार्नर नहीं खेलेंगे यहाँ से बात किया जा जाए जॉनी जा बेस्टो का तो जॉनी बेस्टो आपको हंड्रेड परसेंट खेलते हुए दिखाई दे, दे देंगे बहुत अच्छे फॉर्म में भी है लास्ट मैच में भी तीस रनों की एक अच्छी पारी खेल कर आ रहे सो यहाँ से जॉनी बेस्टो को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा वही बात किया के जाए केन रिचर्डसन का तो केन रिचर्डसन का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ही ठाक रहा है फ्रेंड और पिछले मैच में कैप्टन भी थे और इस मैच में भी आपको कैप्टेंसी करते हुए दिखाई दे, दे देंगे सो से केन विलियमसन को भी आप जरूर अपनी टीम में रखे आपको नंबर तीन पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे, दे देंगे मनीष पांडे का बात क्या है तो मनीष पांडे इस मैच में आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे अगर जैसन रॉय नहीं खेलते हैं तो देखिए जैसन रॉय का इस मैच में खेलने का चांसेस बढ़ रहा है फ्रेंड रीजन ये कि वार्नर को नहीं खिलाया जा रहा है और पिछला मैच में मोहम्मद मतलब को, तो को खिलाया जाएगा या फिर जैसन होल्डर को ज्यादा चांस मुझे लगता है कि जैसन रॉय को खिलाया जाएगा क्योंकि पिछला मैच में थोड़ा सा वीक बैटिंग लगा मतलब हैदराबाद टीम का फ्रेंड सो मे भी हो सकता है नबी पे जैसन रॉय को इस मैच में खिलाया जाता है अगर जैसन रॉय खेलते हैं तो आपको जॉनी बेस्टो के साथ जैसन रॉय ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे दे दे। नंबर तीन पे पांडे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे दे और नंबर चार पे आपको केन विलियमसन खेलते हुए दिखाई दे देंगे दे। वही बात किया जाए यहाँ से विराट सिंह का तो विराट सिंह नहीं खेलने वाले हैं यहाँ से पांडे आपको हंड्रेड परसेंट खेलते हुए दिखाई दे, दे देंगे पांडे को आप ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा केदार यादव भी आपको नंबर पाँच पे खेलते हुए दिखाई दे, दे देंगे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं आपको बहुत कम क्रेड में मिल जाएंगे और आपको ही पता है केदार यादव भी एक अच्छे खासे प्लेयर है मोहम्मद नबी इस मैच में रिस्के लग रहा है फ्रेंड बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि मोहम्मद नबी को ड्रॉप करके या तो जैसन रॉय को खिलाया जाएगा या फिर जैसन होल्डर को खिलाया जाएगा तो मोहम्मद नबी को गलती से भी अपनी टीम में मत रखिएगा पिछट मैच में एक ओवर इनसे करवाया गया जहां पे इन्होंने एक ओवर में इक्कीस रन यानी कि ट्वेंटी वन रन दे दिया और कोई विकेट नहीं लिया और बैटिंग भी देखा जाए तो उतना कुछ खास रहा नहीं सिर्फ सत्रह रन बनाकर आउट हो गया शाह नबी का इस मैच में ड्रॉप होने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है विजय शंकर आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे लेकिन लेकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना बैटिंग में रन बना पा रहे हैं ना ही बॉलिंग में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस अब तक रहा है ऐसे विजय शंकर को छोड़ दीजिए अभिषेक शर्मा नहीं खेलने वाले और होल्डर अगर इस मैच में खेलते हैं, तो हम इन्हें ट्राई भी कर सकते हैं अब्दुल अब्दुलसमात खेलते हुए दिखाई दे, दे देंगे लेकिन बहुत लेट से बैटिंग करने के लिए आते हैं जिस वजह से इनको ज़्यादा बॉल खेलने के लिए मिलता नहीं है सो लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा राशिद खान को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं और विकेट लेने का गारंटी बन चुका है अगर आप राशिद खान को लेते हो तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो तो तो से राशिद खान को जरूर अपनी टीम में रखिएगा भुवनेश्वर कुमार आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे लेकिन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है फ्रेंड पिछला मैच में भी आपने देखा होगा चार ओवर में इन्होंने चौंतीस रन दे दिए एक विकेट भी नहीं मिला और अब तक टोटल पांच मैच में सिर्फ तीन ही विकेट ले पाए मतलब ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन में उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जितना पिछला सीजन में मतलब पहले आई में परफॉर्मेंस करते तो उस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस भुवनेश्वर कुमार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है से भुवनेश्वर को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं संदीप शर्मा का बात किया जाए तो लगातार हर मैच में फ्लॉप हो रहे पिछले मैच में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए चार ओवर में इन्होंने पचास रन दे दिया समझ के चलिए कि प्रति ओवर लगभग तेरह रन इन्होंने खर्च किया हुआ है सो इस मैच में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि संदीप शर्मा को ड्रॉप करके बसील थम्पी को खिलाया जा सकता है बसील थम्पी भी एक बहुत अच्छा बॉलर है यहाँ से बात किया नटराजन का तो आपको पता है नटराजन ऑलरेडी आई से बाहर हो चुका है इंजरी की वजह से तो नटराजन तो नहीं खेलेगा नदीम का फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा खलील अहमद आपको खेलते हुए दिखाई दे देगा पिछला मैच से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है फ्रेंड वही बात किया जाए से मुजीब का तो मुजीब नहीं खेलेंगे सिद्धार्थ कॉल भी नहीं खेलेंगे और जे सूचित भी नहीं खेलेंगे सो इन प्लेयर को आपको ट्राई नहीं करना है अब बात कर ले तो मुंबई इंडियंस टीम के प्लेइंग इलेवन का उसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम तो यहाँ से बात किया जाए रोहित शर्मा का तो रोहित शर्मा आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे बहुत ही अच्छे फॉर्म में पिछला मैच में पैंतीस रनों की बहुत अच्छी पारी खेल कर आ रहे हैं उससे पहले भी आप देख सकते हैं एक मैच में तिरसठ रन एक मैच में चौवालीस रन एक मैच में बत्तीस रन एक मैच में तिरालीस रन अच्छी पारी खेल चुके हैं सो तो यहाँ से रोहित शर्मा को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बोला था कि क्विंटन डीकॉक देखिए जब फॉर्म में होते हैं तो लगातार हर मैच में ही रन बनाते हैं और आप देख सकते हैं पिछले दो मैच से लगातार रन बना रहे हैं एक मैच में सत्तर रन एक मैच में थर्टी एट रन सो से डीकॉक को भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा और क्लिसिन क्रिसलिन का बात किया जाए तो फिलहाल देखिए चांसेस तो बहुत कम लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मतलब चांस बन रहा है आ, नीसम आपको पता है पिछले मैच में खेले थे लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे जिमी नीसम सो मे बी हो सकता है निशम को ड्रॉप करके इस मैच में लिन को खिलाया जा सकता है चांस तो बहुत कम है लेकिन ऐसा हो भी सकता है बैटिंग को अगर मुंबई इंडियंस टीम थोड़ा और स्ट्रांग करना चाहे तो मे भी खिला सकती है क्रिसलिन को निशम को रेस्ट देकर और निशम का परफॉर्मेंस का देखा जाए तो बहुत ही बेकार रहा था फ्रेंड पिछले मैच में दो ओवर में मतलब छब्बीस रन निशम ने दे दिया था और कोई विकेट नहीं लिया था साथ ही साथ बैटिंग का भी बात किया जाए तो बैटिंग में भी जीरो रन बनाकर आउट हो गए थे सो देखिए मे बी इस मैच में हो सकता है निशम के जगह पर याद या तो लीन को खिलाया जा सकता है या फिर बॉलर में अगर किसी को खिलाया जाएगा तो आपको पता ही है नेथन कुल्टनाइल को खिलाया गया था लेकिन फ्लॉप हो गए बुरी तरह से उससे पहले एडम मिलने को भी खिलाया गया था एडम मिलने भी फ्लॉप हो गए मार्को जेंसन मे भी इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं निशम के जगह पर मार्को जेंसन या फिर क्रिसलिन में से कोई एक आपको हंड्रेड खेलते हुए दिखाई दे देगा सो so, यहाँ से बात करते हैं आप सूर्य कुमार यादव का तो ये तो आपको हंड्रेड परसेंट खेलते हुए दिखाई देंगे पिछला दो मैच उतना कुछ खास तो नहीं कर पाए लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा यहाँ से सूर्य कुमार यादव को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा आपको ही पता है कि इनका आई का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है फ्रेंड और किसी भी मैच में बड़ी पारी खेल सकते हैं सो ऐसे सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ईशान किशन नहीं खेलने वाले हैं हार्दिक पांड्या बहुत लेट से बैटिंग करने के लाएंगे नंबर छः या फिर सात पे और परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं आप देख सकते हैं एक मैच में भी अभी तक ट्वेंटी प्लस स्कोर भी नहीं कर पाए हैं सो यहाँ से हार्दिक पांडे को छोड़ दीजिएगा पुलाट बहुत अच्छे फॉर्म में बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं आपने पिछले मैच में देखा होगा इन्होंने दो विकेट लिया था बॉलिंग करके साथ ही साथ बैटिंग में भी इन्होंने एट्टी रनों की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी सो यहाँ से आप पुलाट को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा वही बात किया जाए करनाल का तो अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं बॉलिंग तो अभी फ़िलहाल इनसे उतना कराया नहीं जा रहा पिछले मैच में तो एक ओवर बॉलिंग नहीं कराया गया था लेकिन अगर आप बैटिंग के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं नंबर चार पे आपको कुराल पांड्या बैटिंग करते हुए दिखाई दे, दे देंगे बात किया जा, जाए ऐसे जयंत यादव का तो जैंत यादव नहीं खेलने वाले मार्को में भी खेल सकते हैं और पहला मैच का इनका परफॉर्मेंस का बात किया तो वहाँ पर दो विकेट लिया था अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था दूसरा मैच में फ़्लॉप हो गए तो जिसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया लेकिन मे भी हो सकता है एक बार फिर से निशम के जगह पिन को मौका मिल सकता है राहुल चार देखिए इनको आप जरूर अपनी टीम में रखे अभी थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस आईपीएल में और पर, पर्पल कैप के रेस में नंबर तीन पे हैं सो राहुल चार अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे फ्रेंड इनको आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा बुमराह कुछ खास बॉलिंग कर नहीं रहे पिछले मैच में चार ओवर में बुमराह ने चौवन रन दे दिया और सिर्फ एक ही विकेट मिला और अभी तक सिर्फ एक मैच ही ऐसा रहा है जहाँ पर इनको दो विकेट मिला है वो भी फर्स्ट मैच था उसके बाद से या तो एक विकेट मिल रहा है या फिर एक भी विकेट नहीं मिल रहा मतलब उतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे फ्रेंड इस बात को ध्यान में रखिएगा और यहां से बोल्ट का बात किया जाए तो बोल्ट भी पिछले चार मैच से देखा जाए तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं सिर्फ अभी तक पिछले चार मैच में दो ही विकेट मिला है पहला तीन मैच बोल्ट का बहुत अच्छा रहा था लेकिन अगला जो चार मैच हुआ है उसमें आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं लास्ट के दो मैच में एक एक विकेट मिला है लेकिन उससे पहले कोई विकेट नहीं मिला था दो मैच में और पिछला चार मैच का कंपेरिजन किया जाए तो सिर्फ दो ही विकेट ले पाए सो परफॉर्मेंस इनका भी कुछ खास रहा नहीं है फ्रेंड लेकिन खेलते हुए दिखाई दे देंगे लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर आप इनको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं इनसे अच्छा इनको छोड़कर एक अच्छे बैट्समैन को आप ले सकते हो एडम मिलने नहीं खेलने वाले हैं नाइल भी नहीं खेलेंगे निशम भी नहीं खेलेंगे धवल कुलकर्णी भी इस मैच में रिस्की लग रहा है क्योंकि धवल कुलकर्णी को पिछले मैच में खिलाया गया लेकिन बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया चार ओवर में फोर्टी रन देकर एक विकेट भी नहीं मिला मे भी हो सकता है इस मैच में आपको एम खान खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं एम खान भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है मे बी इस मैच में मौका मिल सकता है धवल कुलकर्णी के जगह पर अब बात करते हैं यहाँ से पीच रिपोर्ट की तो देखिए ये मैच दिल्ली में होने वाला है और दिल्ली में जो आखिरी मैच हुआ था वो

ज्यादा विकेट मिलता है तो देखिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम इलेवन टीम तैयार किया हुआ है तो आइए अब डायरेक्ट ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ से ड्रीम इलेवन टीम का तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन की तो यहाँ पे विकेट कीपर में जॉनी वेस्टो और क्विंटन डीकॉक को जरूर अपने टीम में रखिएगा दोनों ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, दे देंगे और दोनों ही प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछला मैच में जॉनी वेस्टो तीस रन करके आ रहे हैं वही बात करिए क्विंटन डीकॉक का तो इन्होंने भी थर्टी रनों की बहुत अच्छी पारी खेली है शायद तो से जॉनी वेस्टो और क्विंटन डीकॉक को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा रिधिमान शाह नहीं खेलेंगे ईशान किशन भी नहीं खेलेंगे ए तारे भी नहीं खेलेंगे और यहाँ से गोस्वामी भी नहीं खेलेंगे अब बात करते हैं यहाँ से बैटिंग की तो बैटिंग में से रोहित शर्मा को जरूर अपनी टीम में रखिएगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में लगातार हर मैच में रन बना रहे हैं तो यहाँ से रोहित शर्मा को रख लीजिएगा वार्नर फिलहाल नहीं खेलने वाले हैं गलती से भी वार्नर को अपनी टीम में मत रखिएगा अभी आप देख सकते हैं लगभग सोलह परसेंट लोगों ने रख लिया है लेकिन वार्नर नहीं खेलेंगे ये बात एकदम कन्फर्म है सो तो यहाँ से वार्नर को गलती से भी अपनी टीम में मत रखिएगा सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखे बड़ी पारी खेल सकते हैं मनीष पांडे बहुत अच्छे फॉर्म में इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा और यहाँ से केन विलियमसन को भी रख लीजिएगा और मुझे थोड़ा सा यहाँ क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड इसी वजह से हमने केदार यादव को रखा हो वैसे केदार यादव भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं वैसे देखिए अगर बाई चांस आपको क्रेडिट अगर मान लीजिए किसी और ऐप पर खेल रहे जहाँ पर आपको क्रेडिट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप केदार यादव को छोड़कर कर यहाँ से आप यहाँ से आप कुराल पांड्या को अपनी टीम में ले सकता हो मुझे थोड़ा सा क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था इसी वजह से मैं कुराल पांड्या को ना लेकर मैं यहाँ से केदार यादव को ही ले रहा हूँ वैसे केदार यादव भी प्लेयर अच्छा है फ्रेंड बैटिंग अच्छा खासा कर लेता है बड़ी पारी खेलने का क्षमता रखता है सो यहाँ से केदार यादव को फिलहाल ड्रीम इलेवन पर ले सकते हैं लेकिन किसी और ऐप पर खेलिएगा तो आप लोग कुराल पांड्या को लीजिएगा जहाँ पर मतलब क्रेडिट का अगर प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से विराट सिंह नहीं खेलेगा ए सिंह नहीं खेलेगा प्रियम गर्ग नहीं खेलेगा अब्दुल समात का देखिए बैटिंग बहुत लेट आता है जिस वजह से इनको ज़्यादा बॉल खेलने के लिए मिलता भी नहीं है सो अब्दुल समाध को लेकर कोई फायदा नहीं है अब बात करते हुआ है, तो है जो बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है इस मैच में खेलता है नबी के जगह पर तो होल्डर को भी हम जरूर अपनी टीम में रखेंगे और किस प्लेयर के जगह पर रखेंगे ये चीज हम आप लोग को टेलीग्राम पर बता देंगे सो फिलहाल देखिए अभी कन्फर्म नहीं इसी वजह से नहीं ले रहे लेकिन अगर बाई चांस टॉस के बाद हमें पता चलता है कि होल्डर खेलेंगे तो हम आपको बता देंगे अगर किसी प्लेयर के जगह पर लेते हैं तो सो सोया से फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि जो भी मतलब मैं चेंजेस करूँगा अपनी टीम में मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊँगा सो यार टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन वीडियो के एंड होने के बाद टेलीग्राम पर ज्वाइन होइएगा मोहम्मद नबी का चांस बहुत कम लग रहा है आ, नीसम का बात करें तो नीसम का भी चांस बहुत कम लग रहा है खेलने का क्योंकि पिछला मैच में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं मे भी हो सकता है निसम के जगह पे इस मैच में क्रिस लिन या फिर मार्को जेनसन में से कोई एक आपको खेलते हुए दिखाई दे, दे देगा विजय शंकर का बात क्या बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रही इसी वजह से विजय शंकर को नहीं ले रहे हैं कुराल पांड्या को जरूर अपनी टीम में रखेंगे अगर किसी और ऐप पे खेलते हैं जहाँ पे क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभिषेक शर्मा नहीं खेलने वाले ए सुधाकर नहीं खेलेंगे और याश ए तेंदुलकर भी नहीं खेलेंगे बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग की तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ तीन ही बॉलर को रखा हुआ है क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे विकेट नहीं गिर रहा है फ्रेंड आपने भी अभी मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताया जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बीस विकेट में से सिर्फ ग्यारह विकेट गिरा था ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहा इसी वजह से हमने कम ही बॉलर को अपनी टीम में रखा हुआ है और जो सबसे अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं उन्हीं को हमने रखा है जैसे आप देख सकते हैं राशिद खान हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में भी है सो हमने राशिद खान को अपनी टीम में रखा हुआ है यहाँ से राहुल चहर जो पर्पल कैप की रेस में नंबर तीन पर है और चाहे पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करे या फिर फास्ट बॉलर को सपोर्ट करे हर जगह पर राहुल चहर विकेट निकाल रहे हैं सो इस वजह से हमने यहाँ पर राहुल चहर को रखा हुआ है और हमें थोड़ा सा क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था और इसी वजह से हमने यहाँ पे आ, अपने टीम में खलील अहमद को रखा हुआ वैसे खलील अहमद भी कभी कभी दो तीन विकेट निकाल लेते हैं अगर किस्मत अच्छा हुआ तो मे भी इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर मुझे देखिए क्रेड का प्रॉब्लम नहीं होता और मैं किसी और ऐप पे खेलता है जहाँ पे क्रेड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं खलील अहमद को ना लेकर यहाँ से मैं आ, ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में लेता फ्रेंड सो so, अगर आप किसी और ऐप पे खेल रहे हैं तो आप खलील अहमद को ना लेकर ट्रेंड बोल्ट को लीजिएगा अगर क्रेडिट का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो सो so, आइए आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टन की और यहाँ पे कुछ खास प्लेयर नहीं है जिनके बारे में बात किया जाए तो बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो देखिए यहाँ पे कैप्टन हमने रोहित शर्मा को बनाया हुआ है जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है और यहाँ से हमने वाइस कैप्टन जॉनी बेस्टो को बनाया हुआ है जिन्होंने बहुत अच्छा सबसे अच्छा अगर बैटिंग का बात किया जाए हैदराबाद टीम की तरफ से तो अब तक जॉनी बेस्टो का रहा है फ्रेंड बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इसी वजह से से हमने वाइस कैप्टन जॉनी बेस्टो को बनाया ऐ, बनाया हुआ है और से से हमने वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया हुआ है इसके अलावा मान लीजिए अगर आप तीन चार टीम के साथ खेल रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं पहले टीम में तो आप रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाइए और वाइस कैप्टन जॉनी बेस्टो को सेकेंड टीम में आप रिवर्स कर सकते हैं जैसे कि सेकेंड टीम में आप जॉनी बेस्टो को कैप्टन बना दीजिएगा और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बना दीजिएगा अगर आप मान लीजिए थर्ड टीम बना रहे तो थर्ड टीम में आप क्विंटन डीको को कैप्टन बना दीजेगा और वाइस कैप्टन यहां से मनीष पांडे को बना दीजिएगा अगर आप फोर्थ टीम बनाइएगा तो फोर्थ टीम में मनीष पांडे को कैप्टन बना दीजिएगा और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बना सकते हैं और अगर आप टीम बनाना चाहते हैं देखिए अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सब टीम में मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन अलग अलग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंड यहाँ से केन विलियमसन को भी एज ए कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो और वाइस कैप्टन पोलार्ड को ट्राई कर सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्की टीम बना रहे हो तो लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगा मैंने आपको ये टीम दे दिया फ्रेंड इसमें मैं दो चेंजेस जरूर करूंगा अगर मान लीजिए मुझे क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं होता है तो एक तो चेंज होगा केदार यादव की जगह पर कुरनाल पांड्या को लूँगा और दूसरा चेंज होगा खलील अहमद के जगह पर मैं आ, यहां से खलील अहमद के जगह पे मैं ट्रेंट बोल्ट या फिर जसप्रीत बुमराह में से किसी एक को ले लूँगा सो so, फिलहाल के लिए देखिए यही हमारी फाइनल ड्रीम इलेवन टीम रहेगी बाई चांस मैच से पहले इस टीम में मुझे कुछ चेंजेस करना पड़े तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दूंगा सो so, अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा और अगर लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि आपको कैसे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो वहाँ पर हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं फ्रेंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में लगा हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे जिसका कमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगेगा उसका कमेंट का रिप्लाई करने के साथ साथ मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूंगा ताकि वो सबसे ऊपर में दिखे और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है सो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी मतलब ड्रीम इलेवन या फिर फैंटेसी गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड रखते हो तो उन लोगों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए सो तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम